न्यू स्टाइल इन द हाउस, न्यू पर्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग। आज है जी सर की एंगेजमेंट। सुबह 5 बजे का उठा हूँ, आंखों में अभी तक नींद है। वैसे तो आदत पड़ी हुई है सुबह उठने की, ज्यादा महसूस नहीं है उठने के टाइम ना। पहले ही हो चुका हूँ बहुत लेट, सुबह के बच्चे के 7:30 का टाइम था मेरा नन्नू के घर पहुंचने का, क्योंकि वहां से सिस्टर को पिक करना है, फिर उसके बाद उसको रेडी होने के लिए पार्लर ड्रॉप करना है, जो कि हमारे यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर अम्बाला में पार्लर है, वहां ड्रॉप करना है उसको। फटाफट से चलते हैं। एक खुशखबरी है, खुशखबरी हमारे लिए यही है, अभी बाहर फॉग नहीं है तो मौसम साफ है, तो पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे मैं तो रेडी होके आया हूँ घर से, नहा धो के बाल बुल सेट करके, सिर्फ ऊपर से सूट डालना है, शर्ट और पैंट मैंने डाल रखी है। वैसे मैं बता दूं 3-पीस सूट डाल रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद कोई फंक्शन आया घर का तो 3-पीस सूट तो बनता है भाई। और मैंने वैसे बोला था नन्नू को भी, मैं ना ड्रॉप करके सिस्टर को फिर वापस आके मतलब घर रेडी हो जाऊंगा। नन्नू और नन्नू के पापा ने बोला भी नहीं, तो रेडी होके जाएगी क्योंकि उधर के उधर ही पंचकूला निकलना है, तो कहते टाइम जरूर वेस्ट करना है, तो उसके बाद फिर पंचकूला ही चलेंगे। तो गाइस मतलब 8 बज चुके हैं, तो अम्बाला पहुंच चुके हैं, मैंने ड्रॉप कर दिया सिस्टर को पार्लर में, रेडी होके फटाफट यहाँ से निकलेंगे पंचकुला के लिए। मेरे को ही मतलब नन्नू और यहाँ आए थे अम्बाला, कुछ सामान रहता है उनका, वो पिकअप करना है फ्रेंड के घर से, वो पिकअप करके फिर चलेंगे पंचकुला। सो गाइस अभी जा रहे हैं जी वो सामान पकड़ने भैया के घर, वो पकड़ के फिर दोबारा वहीं जाके खड़े होने पड़ेगा यार। कम से कम मेरे को 40-45 मिनट हो गए वेट करते हुए उनका नीचे, मैंने कहा चलो इतना सामान ही ले आता हूँ, बाद में टाइम बच जाएगा अपना। थैंक यू ये जी सामान तो ले लिया। सो गाइस पंचकुला तो पहुंच गए हैं, वहां पे मतलब जहां पे फंक्शन है हॉल में, वहां होके आ भी गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। जैसे ही वहां गया नन्नू बोला जाओ पहले बाबा जी को लेके आओ, ज़्यादा जरूरी है। मैं तरुण भाई टाई नहीं दी इसने, मेरे को टाई लगाता नहीं तो मैं आज ये वाली ये है जी रेस्टोरेंट होटल जहाँ हमारा फंक्शन है। ये तरुण खाने पीने की तरफ बढ़ते हुए जाते ही टूट पड़ेंगे, सच्ची टूटवाना। कैसा लग रहा है? क्या? लिफ्ट में आके दूध लेने जा रहा हूँ। दूध लेने जा रहा है बच्चे का ये भी जिम्मेदारी है भाई। 10 मिनट न्यू स्टाइल इन द हाउस, न्यू पर्स, व्हाट अ स्टाइल ब्रो। ये कहाँ से कॉपी किया कि अपने बनाया? अपने ये है जी खाना। वैसे तो स्टार्ट कर दिया हमने खाना, ये बैठा है तरुण बाबे के साथ, ये हर्षु। क्या लेके आया भाई? केक। कौन सा है? रेड वेलवेट और चॉकलेट। अच्छा जी, चलो जी
जी नूनू सिंह हुन की चल रहा है खज्जल कुवारी किन्ने बंदे हो रहे ने एक भाजी है इधर दिखाओ एक भाजी है फोटो शूट चल रहा है इधर देख एक भाजी है बेचारे बैठे ने इन्हां नूं पुछो कैसा लग रहा है कुछ बंदे और लगे ने चलो डिस्टर्ब नहीं करते ननू नूं कर सकदे आपां डिस्टर्ब हां जी One eternity later. Hey guys, welcome back to vlog. Good morning. आज आज ही next day. वैसे कल हम function से आने में हो गए थे काफी late. Hope है आपने भी उतना enjoy किया होगा function जितना हमने enjoy किया कल. बाकी function बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. बहुत dance किया, खाया पिया भी बहुत ज़्यादा. हमारा तो पेट मतलब फटने वाला हो गया था, इतना खाया पिया था. क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जो घर का फंक्शन था, वैसे फंक्शन वगैरह तो अटेंड करते रहते थे, जो घर का फंक्शन था काफ़ी टाइम के बाद गए थे. सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. बाकी कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में, क्योंकि सारे रिलेटिव वगैरह नन्नू के आए हुए थे, तो उसमें टाइम ही नहीं मिला व्लॉग एंड करने का. बाकी इस व्लॉग को करते हैं यही एंड. होप है जी आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा. अगर आप अभी तक ये व्लॉग देख रहे हैं अगर भी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, जो आने वाले व्लॉग और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती है. बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक लिए बाय बाय.